नमस्कार दोस्तों, एलवी क्लासेज में आपका स्वागत है। तो आज मैं आप लोगों को यूपी बोर्ड के रिजल्ट के बारे में बताऊंगा, यानी कि यूपी बोर्ड का रिजल्ट जो है किस डेट को और किस टाइम पर आएगा, जिसको लेकर आप लोगों के मन में कई शंकाएं हैं। और ये मैं आप लोगों को सीधे माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट से बताऊंगा, यानी कि जो नोटिस माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट पर आया है उसके द्वारा मैं आप लोगों को बताऊंगा। यूपी बोर्ड द्वारा जारी नोटिस को देखने के लिए आपको किस वेबसाइट पर जाना है इसके बारे में आपको इस वीडियो में बताऊंगा, जहां से आप यूपी बोर्ड के रिजल्ट की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं और अपना रिजल्ट भी देख सकते हैं। तो सबसे पहले आपको गूगल पर टाइप करना है upmsp.edu.in, इतना लिखकर आपको सर्च करना है। जब आप इसको सर्च करेंगे तो सर्च करने पर आप माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश की वेबसाइट पर पहुंच जाएंगे, यानी कि यूपी बोर्ड की साइट पर आ जाएंगे। तो इसको स्क्रॉल करना है आपको, स्क्रॉल करके नीचे की ओर जाना है। तो जब नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पर सभी लिंक दिए गए हैं परीक्षा से संबंधित। तो इसी पर एक नोटिस जारी किया गया है यूपी बोर्ड द्वारा, जिसे आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो ध्यान दीजिए, यहाँ पर लिखा है महत्वपूर्ण सूचना एवं डाउनलोड। इसमें लिखा गया है माध्यमिक शिक्षा परिषद की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट परीक्षा का परीक्षाफल जो है दिनांक 27 अप्रैल 2019 को अपराह्न 12:30 बजे घोषित किया जाएगा। तो आपका जो रिजल्ट है वो 12:30 बजे घोषित किया जाएगा। और जब आप इस लिंक पर क्लिक करेंगे तो लिंक क्लिक करने पर ये एक नोटिस ओपन हो जाता है, जिसमें कार्यालय सचिव माध्यमिक शिक्षा परिषद उत्तर प्रदेश प्रयागराज द्वारा जारी किया गया है। इसमें जो विज्ञप्ति दी गई इसमें लिखा है कि सर्व संबंधित को सूचित किया जाता है कि माध्यमिक शिक्षा परिषद द्वारा आयोजित वर्ष 2019 की हाई स्कूल एवं इंटरमीडिएट की परीक्षाओं के परीक्षाफल जो है वो दिनांक 27/4/2019 को अपराह्न 12:30 बजे माध्यमिक शिक्षा परिषद प्रयागराज के मुख्यालय से घोषित किया जाएगा। यानी कि आपका रिजल्ट जो है वो कल 12:30 से 1 तक जो है वो जारी कर दिया।